हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम क्रिकेट कोच एंड एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट अनप्लग्ड विद सक्षम। और आज एक डिफरेंट टाइप का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक पूरा प्रैक्टिस सेशन कैसे कंडक्ट होता है क्रिकेट एकेडमी में। तो बेसिकली ये पूरा जो वीडियो होगा वो एक वीलॉग टाइप का होगा, जिस पे आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरे प्रैक्टिस सेशन में एक एकेडमी में एक प्रैक्टिस सेशन कैसे कंडक्ट होता है। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी आपके सवाल हों प्रैक्टिस को लेकर या क्रिकेट एकेडमी को लेके, तो आप लोग कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आप लोगों को पूरा आइडिया लगेगा कि एक क्रिकेट एकेडमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। टेबल इंटरनेशनल स्कूल में, जो कुर्सी रोड पे है लखनऊ में। ये देखिए, हम लोग एकेडमी के अंदर आ गए हैं और ये बच्चा जो है वार्म अप कर रहा है। ये देखिए अरसलान, ये जो बच्चे हैं ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के, मतलब वन टू वन ट्रेनिंग के बच्चे हैं। और अभी फुल सेशन शुरू होगा 4 बजे से। अब ये बच्चा है मेरे पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का, इसके वेट पे भी काम हो रहा है और इसकी बैटिंग टेक्निक पे भी। यहाँ पे ये बच्चा लगा हुआ है, टायर पुलिंग कर रहा है, जो इसके शोल्डर्स में दम क्रिएट करेगा। चलो जल्दी जल्दी असलान, जल्दी, वेरी गुड। पूरा पैर ब्रेस करो, हाँ बहुत बढ़िया। बेसिकली ये सेटअप इसलिए है कि तुम्हारा जजमेंट और लेंथ सही है, ठीक है। जो बॉल तुम्हारे रीच के अंदर का है, यहाँ का है, वो ड्राइव का है, जो बॉल दूर का है वो डिफेंस का है। पैर सही से खोलो, सामने की तरफ, हाँ वेरी गुड। टैप करो बैट, पिकअप, टॉप हैंड से पिकअप करो, थोड़ा बॉटम हैंड करो, हाँ टॉप हैंड टूटा हुआ, वेरी गुड, ठीक है। बॉटम हैंड पकड़ो, सपोर्ट में, ठीक है, जजमेंट सही हो रहा है ना, ये कौन रखे, जो बॉल तुम्हारे रीच में है वो ड्राइव का है, ठीक है, और जो बॉल दूर है वो डिफेंस का, ठीक है। तो कभी भी दूर के बॉल पे बैट थ्रो नहीं करना, वेरी गुड। वेरी गुड, बैक अगेन, वेरी गुड, बैक अगेन, वेरी गुड, बैक अगेन, वार्म अप सेटअप लगा रहा हूँ। तो हमारी एकेडमी अभी 4:30 बजे से शुरू होगी, और ये वार्म अप सेटअप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ करने में मज़ा आता है,
जिससे बोरियत नहीं होती है। अगर आप बच्चों से कहिए कि वो लैप ऑफ रनिंग करें ग्राउंड की, तो वो एक राउंड दो राउंड के बाद जो है इधर उधर होने लगते हैं। इसलिए हम वार्म अप सेटअप लगा रहे हैं जो इंटरेस्टिंग भी बनाता है और बच्चों को इंगेज भी रखता है। लाइन अप वो वार्म अप के लिए, अभी सब हिलाते हुए जाओगे बीच से। चलो जल्दी जल्दी। अब ऐसे वार्म अप करने से क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं ड्रिल में और बोर भी नहीं होते हैं। तो मैं भी सारे कोचेस से यही कहूँगा कि आप जो सारी ड्रिल्स हैं, वार्म अप्स हैं, उनको इंटरेस्टिंग बनाएं। चलो दिव्यांशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया प्रियान। चलो 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 बॉयज, थोड़ा बकअप करो एक दूसरे को। चलो अथर पांडे जल्दी। ये एकेडमी के छोटे बच्चे हैं और ये अपना सीम बॉल मैच खेल रहे हैं। क्योंकि नेट्स गीले हैं, बारिश बहुत हो रही है, तो नेट्स अभी सूखे नहीं हैं, पानी भरा हुआ है रनअप पे, इसलिए बच्चे जो हैं जितने जूनियर्स हैं वो मैच खेल रहे हैं और सीनियर्स अपनी ड्रिल कर रहे हैं। देखो अब ये नीचे वाला भी लग गया। देखा अब बॉल लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि अब पोजीशन में हो, ठीक है। हमेशा बैक लेग, जब भी बैक फुट का बॉल होगा तो बैक लेग हमेशा ऑफ स्टंप पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पंच करने के लिए बैक फुट ऑफ स्टंप पे जाएगा, कट करने के लिए ऑफ स्टंप पे जाएगा, ठीक है। पुल करने के लिए ऑफ स्टंप पे जाएगा, ठीक है। बैकफुट पंच करने के लिए ऑफ स्टंप पे जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा ही जाएगा, यहीं खड़े रहोगे, यहाँ से पुल नहीं होगा, क्रैम्प हो जाओगे, समझे। यहाँ से पुल नहीं होगा, क्रैम्प हो जाओगे, फिर ना आगे ना पीछे, समझे। यहाँ से यहाँ खड़े रहोगे, खड़े खड़े पंच होगा, ऐसा लगेगा आउट हो जाओगे फिर से, ठीक है। यहाँ से कट मारोगे दूर हो जाओगे, ठीक है। तो बैकफुट को ऑफ स्टंप पे ले ही जाना है। खेलो देखो पोजीशन में, ठीक है, समझे। हमेशा जैसे ही बॉल छोटा गिरा तुरंत पोजीशन में है, कट पुल सेलिब्रेशन। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का जो है बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन लोगों, वो लोग मेरे लिए केक लेकर आए हैं और अब हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं केक काट के। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो आ जाओ।
चलो सब लाइन बना के आओ हाँ दिख गया भाई तुम्हारा अंगूठा दिख गया। देखो यार ये गुरुजी तो मेरा ही है ना। दिस इज़ अ वेरी प्राइसलेस गिफ्ट फॉर मी और मेरे बच्चे जो है मेरे लिए लेकर आए हैं। तो थैंक यू, आई लव यू।